मैं गुस्से में ही रहता हूँ। हल्क यानी कि अपना ब्रूस बैनर जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर ये कह लो कि वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ शी हल्क जो कि अपने गुस्से को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाती है। तो ऐसा क्यों है? आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से हल्क हमेशा गुस्से में रहता है और शी हल्क को गुस्सा नहीं आता। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं शी हल्क की, उसको गुस्सा क्यों नहीं आता। तो इस सवाल का जवाब हमें शी हल्क के ओरिजिन वीडियो में ही मिल गया था, जिसमें हमें ये बताया गया था कि वो अपनी डेली लाइफ में रोज अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। जैसे कि जब वो रास्ते में चल रही हो और उसे कोई छेड़ दे, तब उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है। या फिर कोई साधारण आदमी उसके ही काम की फील्ड में उसको कोई ज्ञान देने लग जाए तो वहाँ भी उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ कुछ बोल नहीं सकती और अगर उसने कुछ बोला तो उसे एक घमंडी, पागल या फिर एक इमोशनल औरत कह के बुलाया जाएगा। और उसे इस चीज का भी डर होता है कि अगर उसने किसी गलत आदमी से कुछ बोल दिया तो वो कहीं उसकी जान ना ले ले, क्योंकि वो है तो एक नॉर्मल लड़की ही ना। और यही वजह है कि वो अपने गुस्से को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी यही किया है। अब बात करें ब्रूस बैनर की, तो उसके अल्टर ईगो बनने की वजह थी उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा, जहां बचपन से ही उसके पिता ब्रायन बैनर जो कि एक पियक्कड़ और अब्यूजिव फादर होते हैं, वो हमेशा ब्रूस को और उसकी माँ रेबेका को टॉर्चर करते रहते थे। और इन सब चीजों से परेशान होकर के जब ब्रूस की माँ रेबेका ब्रूस को लेकर के भागने के लिए ट्राई करती है तो उसके पिता ब्रायन उसकी माँ को इतना मारते हैं कि वो मर जाती है। और ये सब कुछ ब्रूस के सामने होता है, और क्योंकि ब्रूस उस वक्त बहुत छोटा था जिस वजह से वो कुछ कर नहीं सकता था, उसके अंदर गुस्सा नहीं बल्कि एक डर का माहौल बैठा हुआ था। अब यहाँ पर जिसने मून नाइट की वेब सीरीज देख रखी है उसको पता होगा कि इस डर की वजह से उसकी एक अल्टर ईगो बन गई थी। और सेम केस यहाँ पे ब्रूस के साथ भी होता है, जब वो गामा रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका ये अल्टर ईगो हल्क के रूप में बाहर आता है, जो कि उस चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हमेशा गुस्से में रहता था और उसको हर एक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। पर अब एमसीयू के अंदर ब्रूस बैनर ने और उसके अल्टर ईगो हल्क ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिसके रिजल्ट में हमें मिला है प्रोफेसर हल्क, जो कि ऑडियंस को उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि हल्क हमेशा गुस्से में ही अच्छा लगता है, ना कि हंसते खेलते हुए।